और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी है। झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में आग लगी है। शिशु वार्ड में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में ये बड़ी घटना हुई है, जहां अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लग गई है। और अब तक बताया जा रहा है 37 से ज्यादा बच्चों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी कई बच्चों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि किन कारणों से आग लगी है ये नहीं साफ हो पाया, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस अमला और प्रशासन मौजूद है और रेस्क्यू किया जा रहा है। कई फायर फाइटर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने का काम किया जा रहा है और खिड़की के शीशों को तोड़कर फिलहाल बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है। खिड़की तोड़कर बच्चों और मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। जो बच्चे फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 37 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी भी कई बच्चों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खिड़की को तोड़कर मरीजों को फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है एक एक करके। वहां पर दमकल की कई टीमें मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी घटना घटी है उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज में, जहां अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगी। हालांकि किन कारणों से आग लगी है फिलहाल ये तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे तमाम जो पेशेंट अंदर फंसे हुए हैं उन्हें एक एक कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर एडमिट थे और सबसे पहले बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाइल्ड केयर यूनिट में ही आग लगी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल का जो चाइल्ड वार्ड है उसी में आग लगी है और अब तक कई बच्चों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई है। हालांकि अभी तक ये जरूर नहीं साफ हो पाया है कितने मरीज यहां पर एडमिट थे, कितने बच्चे थे, लेकिन बताया जा रहा है, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अब तक करीब 40 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो बाकी बचे हुए बच्चे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि अभी तक सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। और झांसी मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर अचानक से आग लगी है, आग किन कारणों से लगी है फिलहाल ये तो स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दमकल की कई गाड़ियां मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी हैं, आग बुझाने का काम किया जा रहा है। जो फायर दस्ता है वो भी मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्कता भी बरती जा रही है। खिड़की तोड़कर सबसे पहले बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। आपको बता दें कि अब तक करीब 40 से ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, तमाम जो बच्चे उनके परिजन भी अस्पताल के बाहर पहुँचे हुए हैं। और आफताब राठौड़ हमारे साथ इस वक्त और अधिक अपडेट के। प्रकाश, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चा बोर्ड है यहाँ पर, उसमें लगभग किसी अज्ञात कारणों से यहाँ पर आग लग गई थी और आग को बुझाने के लिए लगातार पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सीएमओ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सीएमओ भी मौजूद है और अभी जस्ट बिल्कुल। तो प्रकाश, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। प्रकाश, एक बार आप अपना नेटवर्क दुरुस्त कर लीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बार अपने दर्शकों को फिर से हम अपडेट दे देते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड यूनिट में आग लगी है। बताया जा रहा है कि अब तक 40 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी भी कई बच्चे फंसे और कांच तोड़कर बच्चों को धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है, बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आग किन कारणों से लगी है फिलहाल ये तो स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और प्रकाश का एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। प्रकाश, अगर आप बता पाए अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, अभी और कितने लोग अंदर फंसे हैं? तो मेरे सहयोगी प्रकाश से मैं फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए, अस्पताल के भीतर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई फिलहाल नज़र आ रही है
और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि